घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा में रेलवे की जमीन पर बरसों से घर बनाकर रह रहे लोगों पर रेलवे ने कार्रवाई शुरू की है। माल गोदाम के पास सियाराम चौक से रेलवे ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया गया। 71 लोगों को 10 दिनों पहले नोटिस दिया गया था। इन्होंने 10 दिन बाद भी अतिक्रमण नहीं छोड़ा, जिसके बाद आज सुबह से ही जिला प्रशासन, आरपीएफ व पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। वह रह रहे लोगों को घरों में से सामान हटाने की हिदायत दी। आनन फानन में लोगों ने लोडिंग ऑटो, हाथ ठेले बुलवाए और सामान खाली करने लगे। इधर रेलवे ने अतिक्रमण की कार्रवाई भी शुरू कर दी, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने और विरोध शुरू किया, लेकिन आरपीएफ पुलिस ने 10 दिन पहले नोटिस देने की बात कह अपनी कार्रवाई जारी रखी। हालांकि जिन घरों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां से सामान बाहर रख रहे लोगों की पुलिस व आरपीएफ भी सामान हटाने में मदद करने में लगी रही। कोर्ट ने दिया है आदेश। रेलवे अधिकारी अजय सिंह ने बताया, 24 दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट का एक आदेश था, जिसके तहत पूरे देश से रेलवे की जमीन पर किए अतिक्रमण को हटाने संबंधी निर्देश दिए गए थे। इसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। माल गोदाम के पास सियाराम चौक पर अतिक्रमण हटाने के बाद रेलवे अन्य स्थानों से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। अरे आप बात करो यार, बोलो मीना जी से बात करो। मकान टूटने का कार्य चल रहा है, जबकि इसके पट्टे हैं। पट्टे होने के बावजूद ही मकानों को तोड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री द्वारा जो पट्टे दिए गए हैं, ये पट्टों को कहा जा रहा है कि ले जाके जला दो। एडीएम सर से ही बात की है, तो उनसे बात की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और साथ ही यहाँ पर पास में एक कॉलोनी बनी है, तो वो कॉलोनी वाले ने नीचे से ऊपर तक सबको पैसा खिलाया है, क्योंकि इसको रोड निकालने की जगह नहीं मिल रही है। तो किसी न किसी तरीके से वो यहाँ से वहाँ तक सबको खरीद कर और गरीबों को हटाना चाह रहा है, क्योंकि अगर सरकारी आदेश होता तो कम से कम साल भर 6 महीने की तो मोहलत दी जाती, लेकिन हमको कोई मोहलत नहीं दी गई। और ज्ञानेश्वर पाटिल जी जो कि सांसद है, उनसे बात की गई है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन की मोहलत दिलवा रहे हैं, लेकिन उस बात का भी कोई मान्य नहीं रखा गया है। उनकी इस बात का भी कोई मान्य नहीं रखा गया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। और 10 दिन की बजाय अभी ही तोड़ा जा रहा है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन से तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है।